जिनकी बात तुम करो, मोबाइल दे दो एंड्रॉइड, वो दुनिया की हर चैट कर लेंगे उस पर। केवल पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, वो नहीं, किसने कहा तुम पैसा अपनी जेब में लेके चलो? इसका अकाउंट ही रहे। जब यूपीए सरकार थी तो अगर 5 रुपए का सिलेंडर बढ़ जाता था तो आपकी स्मृति ईरानी जाके रोड पर बैठ जाती, आराम से वो बैठती थी जाके कि साहब 5 रुपए बढ़ा दिया। जिस हम एक महीने में 36 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, क्यों बढ़ा भाई? आप जी स्कीम बीजेपी कतई नहीं जीतेगी, आप देख कौन जीतेगा, हम यही आपसे पूछ रहे हैं। कौन कोई पार्टी? टमाटर और प्याज पे गवर्नमेंट चली गई है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। वो समय लगता है, बिहार यूनिवर्सिटी टोटल गरीबों की जमीन पर कब्जा किया हुआ, कब्रिस्तान पे कब्जा किया हुआ है। बैठे हुए हैं, अरे छोड़ो, किसानों को कष्ट नहीं हो रहा, गिने चुने किसानों को कष्ट हो रहा है। अभी किसान क्या, एक आदमी मारा गया, क्या कर लिया, क्या किया आपने? वो सब छोड़िए, बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया जो बीजेपी गवर्नमेंट हमारे समाज में, हमने जब से होश संभाला है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट ना होती, हम कह रहे ये आजादी हमारे लिए बेकार थी। क्या था, क्या फैसिलिटीज थी, हर चीज तो दिए गरीबों को, सबसे बड़ा बीजेपी ने कुछ नहीं किया। 5 पॉइंट मेरे नोट कर लीजिए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, गरीबों को वो दिया अनाज, गोली मारना नहीं, राशन कार्ड से आपको लिंक करा, उनको टाइम से राशन कार्ड मिलता है, सब कुछ मिलता है, वरना आधे से ज्यादा राशन बिक जाता, लोग खा जाते फ्री का। हर योजना में उनको दिया, मकान दिए, सब कुछ दिया। आप और गवर्नमेंट को उठा लीजिए, किसने क्या क्या दिया, फ्री सिलेंडर मिला, महंगाई जो हो रही है उसकी बात, मिला सिलेंडर क्यों, हमें क्या करना है? उल्टा हमने अपनी सब्सिडी उनको दे दी, जिनको चाहिए, हम जिनको चाहिए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है हम दे रहे हैं उनको, उनके हकदार ठीक है। साहब बैठ के चिल्ला रहे हैं, बोलो ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि ये जो जीएसटी से पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं हटा रहे, इसी के कारण सारी महंगाई बढ़ रही है। कोई गवर्नमेंट राजी नहीं हो रही है, क्यों नहीं राजी हो रही, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो स्टेट वाले अपने आप करेंगे, लागू करना पड़ेगा ना, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी के अंतर्गत जो है जो पेट्रोल डीजल लाए, सारी महंगाई महंगाई बढ़ रही है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इन्होंने जीएसटी से ये पेट्रोल डीजल हटा दें, अपने आप सारे नहीं, कांग्रेस पेट्रोल डीजल हटा दिया गया नहीं, अच्छा सबसे बड़ी चीज है कि आज सरकार को जो है जीएसटी में लाना चाहिए। इस समय की आप सबसे बेहतर पार्टी किसको मानते हैं? बेहतर पार्टी तो है बीजेपी, परंतु उसकी कमियां बता दी, कमियां ये है कि सारा व्यापार चौपट है, बहुत महंगाई, बोलिए सुनिए, व्यापारी बोल रहे हैं कि सुनिए तो सुनिए मेरी बात, व्यापारी चौपट कैसे हो गया है? सुनो, व्यापार चौपट है, लोगों के पास पैसा नहीं है, कहाँ गया पैसा, इसके पहले पैसा था कहाँ चला गया पैसा, ये हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं, आखिरकार वो पैसा गया कहाँ? मेरी पैसा चला गया, जनता विभाग का माफियाओं का पैसा पैसा खत्म हो गया, जनता की एक आवाज है, खत्म हो गया, खत्म कर दिया गया। एक मिनट, मेरी बात, जनता की एक आवाज, बीजेपी गवर्नमेंट हम लोग एक सदमे से उभरते नहीं है, दूसरा सदमा हम लोग दे देती है, पहले नोटबंदी करती है, कभी कुछ करती है। नोटबंदी अच्छा काम था, बुरा क्या था उसमें? ये तो भाई कोई मिडिल क्लास आदमी बताते हैं कि नंबर एक आदमी था, नंबर एक आदमी को परेशान हुआ। सबसे बड़ी उसकी तय में जाइए कि नोटबंदी की क्यों, क्यों किया आप बताइए? नोटबंदी करने की सबसे बड़ी वजह थी कि वो बैंक करप्ट हो चुके थे, आपके सारे देश के सारा पैसा माफिया और नंबर दो का सारा लॉक हो चुका था, तो इस वजह से उनको बैंकों को बचाने के लिए उनको उससे हल क्या निकला? ये निकला कि हमारे बैंक आज मतलब बच पाए, उन्होंने 2000 का नोट पकड़ा दिया है, हम आपकी दुकान आएंगे, सुनिए हमारी बात, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए कैश फ्लो कर, 2000 का नोट हमें दे दिया, ठीक है, उसके बाद हम आपकी शॉप पे आएंगे, आप बोलेंगे छुट्टे नहीं है, इससे जो जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो आपको कैश पेमेंट लेकर आइए, हु हैज सेड यू गिव कैश, जिसको जो नहीं पढ़ा नहीं पढ़े जिसके पास में नहीं, अरे यार जिसके पास कोई करने के लिए तुम्हारे पास पढ़े हो, नहीं हम नहीं पढ़े, बहुत से युवा ऐसा है, बहुत से महिला है जो उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, जिनकी बात तुम करो, मोबाइल दे दो एंड्रॉइड, वो दुनिया की हर चैट कर लेंगे उस पर, केवल पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, वो नहीं, किसने कहा तुम पैसा अपनी जेब में लेके चलो? अकाउंट ही नहीं है, वो कैसे नहीं है? जब जीरो बैलेंस में खाते खुलाए गए थे तुम घर में क्या सो रहे थे? आप बताइए, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट की बड़ाइयां ही बड़ाई हो रही हैं, ठीक है, आप कमियां बताइए, हमें दो कमियां बताइए, हमें दो कमियां बताइए, देखिए लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी बात रखिए, ठीक है, बात रखिए, ठीक है। जब यूपीए सरकार थी तो जवाब आप दे रहे हैं, जब यूपीए सरकार थी तो अगर 5 रुपए का सिलेंडर बढ़ जाता था
तो आपकी स्मृति ईरानी जाके रोड पे बैठ जाती थी, आराम से वो बैठती थी जाके कि साहब 5 रुपए बढ़ा दिया। दिसंबर एक महीने में 36 रुपए पेट्रोल बढ़ा है। क्यों बढ़ा भाई? आप जीएसटी में दायरे में क्यों नहीं ला रहे? अगर आप उसको जीएसटी दायरे में अगर लाएं, एक सेकंड अगर लाएं, तो जितनी भी महंगाई है ये सब ऑटोमेटिक। तो मोदी जी ने उसका हल दे दिया। वो कहते हैं कि भाई शरीर को अपना मजबूत करो, पैदल चलो। पैदल चलो तो ये चलना पड़ेगा ना पैदल? नहीं नहीं, पैदल चलना पड़ेगा। पेट्रोल 102-104 रुपए हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन होता है, जितनी भी चीजें चाहे कपड़ा हो चाहे सब्जी हो, जो भी चीजें आती हैं सब ट्रांसपोर्ट से आती हैं। 45% आपका ट्रांसपोर्ट से आता है आपके ये फोर व्हीलर से, और बाकी आपका 55% रेलवे से आता है। तो आखिरकार ये महंगाई जो चरम सीमा पर है, ये महंगाई है, ठीक है, हमने माना महंगाई है, ठीक है, सरकार मान रही महंगाई है। महंगाई तो आदमी तो भरा जा रहा है। सुनिए तो इसका हल कैसे निकालेंगे आप, वो एक वोटर के तौर पे आप इसका हल कैसे निकालेंगे? हम ये चाहते हैं कि अगर इसको आप जो है पेट्रोल डीजल को अगर आप जीएसटी के दायरे में लाएंगे, ऑटोमेटिक महंगाई सारे वो कह देंगे हम नहीं लाएंगे तो आप किसको नहीं लाएंगे तो हम पब्लिक वोट क्यों देंगे? आप किसको देंगे? हम वोट भी नहीं देंगे। आप न देने से फिर बीजेपी जीत जाएगी? अगर आपने वोट नहीं दिया तो फिर बीजेपी जीत जाएगी, फिर महंगाई बढ़ जाएगी, उसका हल कैसे निकालेंगे? अगर ये स्थिति रही जो चल रही है और आने वाले जो चुनाव हो रहे हैं आगे अगर यही स्थिति रही तो बीजेपी कतई नहीं जीतेगी। आप तो देख कौन जीतेगा, हम यही आपसे पूछ रहे हैं। कौन कोई पार्टी जैसे कांग्रेस आ जाएगी या सपा आ जाएगी, कोई भी आ जाएगी, लेकिन बीजेपी नहीं जीतेगी। कांग्रेस के लिए तो उन्होंने आप इन्हीं की बात का जवाब जी, कांग्रेस आ जाए, सपा आ जाए, बहुजन समाज पार्टी आ जाए, क्या ये जीएसटी ला देंगे पेट्रोल डीजल पर? बिल्कुल लाएंगे। ना एक चीज बता दें आपको, एक चीज मोटा मोटा कैलकुलेशन बता दें। कौन रोकेगा? सुनिए सुनिए, देखिए इंडिया टमाटर और प्याज पे गवर्नमेंट चली गई है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। वो समय अलग था, आज भी अलग है। अच्छा चलिए चलिए महंगाई छोड़ दीजिए, चलिए हम एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए जब तक हर स्टेट के मंत्री हर स्टेट सेंट्रल के साथ बैठकर, क्योंकि अभी आई थी वो कौन आई थी, फाइनेंस मिनिस्टर आई थी, लखनऊ आई थी, जीएसटी के विषय में बात की थी, हर स्टेट के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। सुन लीजिए, बुलाया गया था, हर स्टेट के मुख्यमंत्री बुलाए गए थे उन है। बात सुनिए, जैसे आप चलिए महंगाई बढ़ रही थी, महंगाई बात सुनिए बढ़ रही, चलिए अब रोजगार पे बात कर लेते हैं। रोजगार कितना? रोजगार में रोजगार आप बताइए, नहीं आप बताइए रोजगार कब कितना मिला? रोजगार अभी बराबर पिछली जितनी सरकारों की दी हुई वैकेंसी थी सारी क्लियर कराई योगी जी ने, ठीक है, जो पचड़े में पड़ी हुई वैकेंसी आ गई तो उस पर स्टे भी तो लग गए। स्टे तो वो दूसरे सारे सपा गवर्नमेंट की वैकेंसी पर, और अभी शिक्षक भर्ती हुई तो उसमें लाठीचार्ज होती है विद्यार्थियों के ऊपर, आपको याद होगा। उसकी वजह है क्या? विद्यार्थी कितने परसेंट आप विद्यार्थी की बात कर रहे हो? आप हमने इसको सपा गोली मारी है, कार्यकर्ता देखो विद्यार्थी नहीं थे, पक्का है। ये बताइए एक मिनट, जो शिक्षक भर्ती हुई पुलिस भर्ती हुई सपा गवर्नमेंट में, आज में स्टे क्यों है? सब गड़बड़िया हुई उसमें, शिवपाल जी का ठेका था, सबके पास ठेका था, आज क्या है? जो भर्ती हो रही है योगी जी या मोदी जी गवर्नमेंट में, किसमें स्टे आ गया बताइए हमको? सब निष्पक्ष हो रहा है। हमारे इस बीच में बात करते हैं रोजगार की, मुद्दे को अपने थोड़ा हम चेंज करते हैं, पूरे प्रदेश का मामला है, बात करते हैं रोजगार की, तो रोजगार के बारे में आप क्या कहेंगे? परिभाषा क्या है रोजगार की? रोजगार हमारे जो अभी गवर्नमेंट जॉब को अगर लेकर के देखते हैं तो रोजगार इतना ज्यादा गवर्नमेंट ने इसमें भी दिया है, जो पिछली सरकारों द्वारा जो बाधित थी हमारी जो है वैकेंसियाँ, उसके अलावा बाकी रोजगार अगर करना चाहे तो रोजगार करने के लिए कोई किसी सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं, उनकी तरफ से बाकायदा बराबर लोन दिए जा रहे हैं, छोटे बिजनेस करने हो या बड़े बिजनेस करने हो। लेकिन अगर केवल गवर्नमेंट जॉब ही आपकी रोजगार आपकी नज़र में है तो वो उसमें भी पीछे नहीं है। भैया आपका क्या नाम है बताइए? अनूप यादव। आप किस पार्टी को सबसे अच्छा बेहतर मानते हैं इस समय की मौजूदा स्थिति को देखते हुए? इस समय पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है जी, जिस चीज से ये 2014 से पहले व्यापारियों की जो स्थिति थी, अब व्यापारियों की स्थिति 2014 के बाद से आज आकलन किया जाए तो इस समय स्थिति बहुत खराब है। जब से नोटबंदी हुई है, जैसा कि आपके हमने आपके व्यापारी भाई को सुना, ठीक है, उन्होंने बोला हमारे लिए सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है, वो तो बोल रहे बीजेपी सरकार बिल्कुल एकदम सबसे अच्छी सरकार अभी तक जितनी सरकार है। अच्छा, हाँ। आप बताइए, आप उनसे क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे ये बताइए। 2014 में
यही सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की इस समय सत्ता पे बैठी हुई है, उस समय 420 रुपए सिलेंडर था, 420 रुपए सिलेंडर में यही यूपीआई पूरे सड़कों पे उतर आई थी। 2014 में जो जीएसटी कांग्रेस जो लेके आ रही थी उसका विरोध हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किया था कि मैं किसी भी प्रकार के व्यापारियों को कष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन आपने सवाल, लेकिन व्यापारी इस समय सुनिए, व्यापारी इस समय वाकई में यदि स्थिति अच्छी ही नहीं है, व्यापारी बहुत ही परेशान है। नंबर एक बेरोजगारी इतनी है। बात सुनिए अब आप जो बोलेंगे ठीक है, ये बताइए, चलिए ठीक है व्यापारी दुखी है खुशी है ठीक है, 2022 में आप किस पार्टी की तरफ रुख करेंगे? आप अपना मत बताइए। देखिए एक सब एक पार्टी का नाम लीजिए, उसकी कोई गिनती नहीं बतानी आपको, जो पार्टी अच्छा काम करे। नहीं अच्छा काम नहीं, केवल आप अपना मत बताइए, मैं वोट दूंगा जाके इस पार्टी को दूंगा। जो पार्टी अच्छा कार्य करा है और 2000 ने किया, किसने किया अच्छा, किसने, सुनिए विकास, नहीं नहीं किसने अच्छा किया, सुनिए सुनिए काम बताइए किसने अच्छा किया, एक शब्द बताइए। 2014 से 12 से पहले ठीक है, जो विकास 17 तक हुआ, जो अखिलेश सरकार जी में जितना विकास हुआ वो इस सरकार में विकास नहीं हुआ। तो और सुनिए 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 आप मेरी बात सुनिए, मेरा क्वेश्चन पूछिए सुनिए। सर अखिलेश यादव जी अपने परिवार को नहीं संगठित कर पाए, शिवपाल जी अलग चले गए, मुलायम सिंह यादव जी की जैसे ही तबीयत बिगड़ी परिवार में फूट पड़ गई, उसको आप किस नजरिए देखेंगे? ये देखिए उनका पारिवारिक मैटर है, पार्टी पारिवारिक प्रदेश के हैं, और सुनिए पूरा यूपी उनके कंट्रोल में था ठीक है, पूरा यूपी का। तो जब अपने परिवार को ही अखिलेश यादव ने संगठित कर पाए तो आपको इनको इनको एक साथ कैसे देख लेंगे वो बताइए। शिवपाल जी अभी जो है कुछ ही दिनों में फिर समाजवादी पार्टी में आने वाले, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, देखिए ये चीज गलत नहीं। आप ये आप इनको अभी आप इनसे लड़ाई कर लीजिए, 2 महीने बाद आप इनकी दुकान में आके बैठ जाए तो ये तो गलत है ना, वो गलत फायदा मिलेगा ना, वो गलत है। लेकिन वो आपस की परिवार की जो मनमुटाव अभी तक नहीं आया, जब तक मुलायम सिंह, तो ये सीधे जनता का आरोप है कि अखिलेश यादव अभी काबिल नहीं हुए हैं सत्ता चलाने के लिए। अच्छा यदि काबिल नहीं होते तो उन्होंने 2012 से लेके 17 तक सरकार चलाई, वो क्या सरकार अच्छी नहीं चली? सरकार अच्छी चलाई है, देखिए जब से उन्होंने अपने 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 पार्टी के लोगों को ही निकाल के फेंक दिया, शिवपाल सिंह ये रखे, आजम खान जेल में रखे, तो उसको क्या देखेंगे आप? देखिए आजम खान को जेल में वो गए, उनने जो अपने कमियां की उसकी जांच हुई तो वो उसके तो पीछे गए, बीजेपी सरकार है तब जांच हो गई ठीक है, उससे पहले उन्होंने अपनी सरकार के मंत्री को क्यों नहीं उनकी जांच कराई? देखिए ये तो जब सरकार एक कोई भी बनती है, जब तो आपने कौन सी चोरी की तो किस लिए जेल में आप? अरे वो तो उनका कुछ जमीनों पे उन्होंने जो भी किया वो कानूनन किया, वो आप ये बताइए, जमीन कब्जा कानून चली कानून में किया, कानून में किया, लेकिन यूनिवर्सिटी टोटल गरीबों की जमीन पर कब्जा किया हुआ, कब्रिस्तान पे कब्जा किया हुआ है,